हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज मैं अपने नए ब्लॉग के साथ आया हूँ। और मेरा बेटा है, इसकी ज़रा स्वास्थ्य ख़राब हो गया है, इसको हल्द्वानी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ मैं। इसके नानी के वहाँ भी ले जा रहा हूँ, अभी इसको दिखा के लाता हूँ थोड़ा हॉस्पिटल में बचाने। आजकल बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है तो इसको हल्द्वानी ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। थोड़ा परेशान हो गए हैं, इसको ठीक है। क्या हुआ बेटा आपको? मेरी तबीयत खराब हो रही। चलो ठीक है। हम पहुंच गए कौसान बैंड, काफी ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे है। ये देखिए, यहाँ से दिख रहा है आपका नज़ारा, क्या सुंदर लग रहा है। यहाँ से पूरे पहाड़ों की चोटियाँ दिख रही है और यहाँ से सामने हिमालय भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे से बड़े तो हिमालय देखो, आओ दिख रहा है वो सामने, देखो हिमालय उधर। मैं कौसान बैंड, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है। कौसान बैंड है, बैठे हैं यहाँ पर। मुझे टुकड़ों में नहीं यहाँ से धौलछीना पड़ता है, 6 किलोमीटर धौलछीना पड़ता है। यहाँ से धौलछीना पड़ता है 6। ये काफ़ी सुंदर है हमारा धौलछीना का मार्केट। सारे घरों में एक जैसे रंग कलर है। यहाँ पर ये जो है, ये कलर जो है टूरिज्म के लिए दिए हैं, जो मतलब पर्यटन विभाग से मिला है, तो इसलिए सारे घरों में एक जैसे कलर है। यहाँ पर सारे होटल और रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, तो ये देख लीजिए आप। जाम लग गया थोड़ा, जाम। ये देखिए आप, ये देखिए धौलछीना का मार्केट है। ये हिली भी रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छे होटल और रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये देखिए सारे घरों बिल्डिंगों में एक जैसा कलर है। ये यहाँ पर टूरिस्ट एरिया भी है पूरा, ये रेस्टोरेंट बना है एक नया से यहाँ पर भी। ये देखिए पूरा धौलछीना बोलते हैं इसे। देखिए यार, आप हॉस्पिटल है नीचे और इंटर कॉलेज है यहाँ नीचे। और ये एक रोड जाती है जो यहाँ से जागेश्वर पिथौरागढ़ के लिए जाती है। ये वाली रोड जो है पिथौरागढ़ और जागेश्वर, और ये गए जो हल्द्वानी। ये है बाड़ीछीना, जिस किसी ने बाड़ीछीना देखा नहीं तो ये बाड़ीछीना है। अभी सुंदर है बाड़ीछीना भी, है अच्छा है बाड़ीछीना भी है। SBI बैंक भी है यहाँ पर। बाड़ीछीना का मार्केट है, मेन मार्केट बाड़ीछीना यही है।
दिख रहे हैं, बहुत प्यारा मंदिर है। यहाँ से अल्मोड़ा कम से कम 2-4 किलोमीटर अल्मोड़ा और दूर है, अल्मोड़ा पहुँचने वाले हैं उसे। तो ये है अल्मोड़े का चिड़ियाघर, जो आपको जस्ट रोड के ऊपर जो दिख रहा है, ये चिड़ियाघर है अल्मोड़े का। अभी आइए हमारे अल्मोड़े में, काफ़ी सुंदर है, देखिए चिड़ियाघर है। हम तो कई बार गए, अभी गाड़ी रुक नहीं रही है तो हम चलते दिखाता हूँ। ये पूरा चिड़ियाघर है सारा अल्मोड़े का। यहाँ पर बाघ, भालू और तेंदुए, कितने प्रकार, मतलब हर एक प्रकार के जानवर रहते हैं यहाँ पर। काफ़ी बड़ा है ये, यहाँ से लेके उधर तक काफ़ी दूर तक ये पूरा चिड़ियाघर ही है पूरा। ये देखो क्या खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो आइए कभी आप अल्मोड़ा, जब भी आना हुआ तो अल्मोड़े के वहीं पर जस्ट ये चिड़ियाघर है। ये पूरा चिड़ियाघर की बाउंड्री जो है पूरे चिड़ियाघर की है, ये पूरा चिड़ियाघर है जो ये पूरा इधर से पूरा चिड़ियाघर, यहाँ से लेके पूरा, ये देखिए ये पूरा चिड़ियाघर का एरिया है। कभी भी आइए आप तो अल्मोड़े से जस्ट बगल में NTDA बोलते हैं यहाँ पर, तो आपको ये चिड़ियाघर दिख जाएगा। तो अल्मोड़ा आए तो कभी चिड़ियाघर घूमना ना भूलें। ये देखिए ये आप अल्मोड़े में एंट्री हो गई हमारी, ये NTDA है यहाँ का नाम, तो आप देख सकते हैं। ये देखो आपके पहाड़ों पर कितने सारे घर बने हुए हैं। ये आगे की है रोड, ये ऊपर को एक रोड गई ऊपर बाजार के लिए जाती है, और ये गई नीचे धारानौला। और अल्मोड़े की एक चीज़ प्रसिद्ध है, यहाँ पर बाल मिठाई, अल्मोड़े की मिठाई भी बहुत प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों ये है अल्मोड़ा, और ये जो ऊपर है ये बनाया था अब्दुल कलाम जी ने, इसका उद्घाटन किया था जो ऊपर बना रखा है। सांस्कृतिक म्यूजिक अल्मोड़ा का जो म्यूजिक वो है, कुछ नाम है इसका, तो ये राष्ट्रपति जी ने इसका वो किया था। ये पूरा अल्मोड़ा है, ये देखिए आप अल्मोड़ा क्या सुंदर है एकदम। तो कभी आइए अल्मोड़ा तो घूमिए यहाँ पे, ये सारे रोडें कटी हुई है, पता नहीं कौन कौन सी जगह जाता है, मुझे भी ढंग से पता नहीं है। इधर से भी ऊपर देवी दूरा वगैरह वगैरह इधर सारे पड़ते हैं, छोटे छोटे मतलब एरियाएँ पड़ती हैं। तो ये देखिए अल्मोड़ा ये है, अब देखिए कितना सुंदर नज़ारा है एकदम। ये कन्नू अल्मोड़े में घूम रही है, अभी गाड़ी से अभी उतरी नहीं है। हाँ बेटा, नानी नाश्ता हल्द्वानी है बेटा, यहाँ नहीं रहते हैं। नानी हल्द्वानी रहती है बेटा, वो भी देखिए भैया अल्मोड़ा, ये देखिए अल्मोड़े का नज़ारा। ये अल्मोड़ा से आगे हल्द्वानी की तरफ, ये देखो सामने हिमालय दिख रहा है आपको, ये देखा पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ी है जो हिमालय की, ये देखिए ये अल्मोड़ा ही है ये भी, लेकिन हम अल्मोड़ा से आगे आ चुके हैं। दोस्तों हम पहुंच गए शिवालवाड़ी, और आगे काकड़ी घाट, गर्म पानी, भवाली रोड है, देख लीजिए आप कितनी सुंदर रोड है। आजकल काफ़ी अच्छी रोड बन गई यहाँ पर, लेकिन बरसात में सब ये ख़त्म है फिर। ये देखिए ये जगह यहाँ का नज़ारा देखिए, क्या सुंदर नज़ारा है। ये है काकड़ी घाट और शिवालवाड़ी है वैसे, इसके बाद काकड़ी घाट आएगा, गर्म पानी, भवाली, ये देखिए पहाड़ों में काफ़ी अच्छी रोडें हैं यहाँ पे।
ये देखिए दोस्तों क्या मस्त नज़ारा है यहाँ पर, जो अल्मोड़ा से आगे खैरना गर्म पानी है, भवाली वाली रोड है, काकड़ी घाट। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए आइए आप भी, आप लोग भी जो बाहर के दिल्ली रहने वाले हैं, पंजाब हरियाणा से मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, तो कभी आइए आप इधर घूमने आइए, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, आपको सब व्यवस्था मिल जाएगी रहने वहने की। अभी यहाँ पर खाने के लिए होटल में रुकेंगे, अब यहाँ पर खाना खाएंगे, खाने खाने का अड्डा आ गया यहाँ पर, खाने खाने का स्टेशन यहीं पर ही है, तो आप यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। ये देखिए, हाँ बेटा, तो हम काकड़ी घाट पर बैठे खाना खाने के लिए, अपने यहाँ पर खा रहे हैं आलू डाटा खा रहे हैं, जूस लगा रहे हैं। आलू डाटा खा रही है हमारे कम में। देखिए सब खाना खाने के लिए रुकी है गाड़ी में, आलू डाटा खा रही है। पहुँचे हम अब खैरना में, पहुँच गए हम खैरना, ये हम आए गए खैरना में, ये है खैरना की मार्केट। ये दोस्तों कैंची धाम मंदिर, जो बाबा नीम करौली का बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस मंदिर है, काफ़ी कृपा होती है, जो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं उनकी काफ़ी अच्छी कृपा बनती है। यह है नीम करौली महाराज, अब हम पहुंच गए भवाली। यह भवाली काफ़ी पुराने पुराने घर हैं यहाँ पर, काफ़ी पुराने ज़माने के घर बड़े हैं यहाँ, लकड़ी के बने हुए। देखिए काफ़ी अच्छा मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है भवाली की। देखिए आप और यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, ये पूरा टूरिस्ट प्लेस एरिया में आता है ये भवाली भीमताल, इसके बाद आएगा भीमताल, अब ये पूरा टूरिस्ट प्लेस एरिया में आता है। ये पूरा भीमताल एरिया आ गया, पूरा एरिया भीमताल का है, आप देख सकते हो पूरा जितने भी एरिया है पूरा भीमताल का एरिया है सारा, पूरा टूरिस्ट प्लेस एरिया है, आप देख लीजिए पूरा भीमताल का एरिया है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखिए आप तो कभी भी आओ घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पर। देखिए आप भीमताल काफ़ी मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए Thank you.
देखिए पूरा पूरा एरिया भीमताल का ये। तो हम पहुंचे भीमताल पहुंच गए। ये देखिए दोस्तों भीमताल है पूरा, ये पूरा भीमताल के तालाब देखिए आप। ये है भीमताल पूरा, ये भीमताल है पूरा। खूबसूरत नज़ारा है आपका। देखिए भैया भीमताल देख, तालाब देख ना कितना बड़ा तालाब है, देखा तूने इतना बड़ा तालाब देख, देख कितना बड़ा तालाब है देखा। ये देखो ये कन्नू, ये कन्नू भीमताल में घूम रही है, गाड़ी से उतर भी नहीं रही है। अब तेरे को बाइक में लेके आऊँगा मैं ना, जब बड़ा हो जाएगा घुमाने के लिए, ठंड में तो नहीं तो बाइक में हो जाएगा ना। एरिया है पूरा एकदम यहाँ पर, बहुत बाहर दूर दूर से आते हैं। बीच में एक टापू है, इसमें कैफे है, एक्वेरियम और कैफे, जिसमें जो मतलब हर तरह की मछलियां हैं और कैफे है। यहाँ पे मैं गया हूँ इस पे, और यहाँ पे क्या कहते हैं आपके मतलब इतने प्रकार की छोटी छोटी मछलियां हैं, और कॉफ़ी शॉप है ये जो बीच में है, नदी के बीच पे है। तो एक काफ़ी लंबाई पर है, कम से कम एक डेढ़ किलोमीटर की लंबाई पर तालाब है। तो वही डेढ़ दो किलोमीटर के आसपास में। अभी एक इसके उधर है नखुचिया ताल पड़ता है उधर, यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी में यहाँ से एक दूसरी रोड जाती है, वहाँ पर नखुचिया ताल है। तो ये है भीमताल, देखिए पूरा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पर। गर्मियों में तो इतना भरा रहता है कि पूछे मत, अभी तो सर्दियों में थोड़ा कम रहता है। तो ये है भीमताल, आइए कभी भी फुल मज़े लीजिए यहाँ भीमताल में, पहाड़ों में, पहाड़ों में लो मजे, तालाब का भी मजे लो, सब सारी व्यवस्था है यहाँ पे, हर चीज़ की व्यवस्था अवेलेबल है यहाँ पे, जो चाहिए वो मिलेगा यहाँ। आप बस घूमने के लिए आइए उधर। तो अब यहीं पर तालाब एंड हो जाता है, अब आ जाता है यहाँ से नीचे तराई का एरिया आ जाता है। पूरा कोहरा लगा हुआ है यहाँ पे पहाड़ों पे। वो देखिए वाला पहाड़ बहुत ही तगड़ा लग रहा है वहाँ पर, वो पहाड़ों का राजा है वो, और वो नीचे सब उनकी रानियाँ हैं। पहाड़ों का राजा है। अब यहाँ आसपास कहीं नदी है क्या? ये नीचे है जो पूरा ये पहाड़ को, ये सारा नीचे आ गया, प्लेन से एरिया आ गया। अब इधर को ये जो है हल, अभी यहाँ से कम 10 किलोमीटर बाद पूरा भावर आ जाएगा, भावर जो तराई एरिया आ जाएगा। अभी कुछ ही देर का टाइम है, इसके बाद फिर तराई भावर आ जाएगा। अभी ये देखिए लास्ट चल रहा है, 5-10 किलोमीटर के बाद सीधे तराई। अभी हम टाउन में चल रहे हैं, ऊपर पहाड़ की चोटियों से हम नीचे उतर रहे हैं। अभी नीचे खाई में चले जाएंगे हम, जिसका फिर हमें मिलेगा वहाँ हल्द्वानी शहर, पर कुछ ही दूर है यहाँ पे। तब तक आप जन्नत के मज़े देख लीजिए। अभी जन्नत ये देखिए आप, अभी थोड़ा कोहरा लगा हुआ है, इतना मज़ा नहीं आ रहा है। ये देखिए क्या नज़ारा है यहाँ से। तो आइए पहाड़ों में, शहर बेच के पहाड़ों में आ जाइए।
क्या करने है शहरों में, तो शहरों में तो है के तो पहाड़ों में आइए, पूरी जन्नत के मजे लो। हम तो लेके आ गए जन्नत के मजे, अब तुम्हारी बारी है। तो ये देखिए आप, ये अभी कोहरा लगा हुआ है, पहाड़ दिख नहीं रहे यहाँ पे, सामने सब पहाड़ी पहाड़ हैं। लेकिन अब हम घाटी की तरफ जा रहे हैं, नीचे खाई में उतर रहे हैं, ताकि हमें वहाँ शहर मिलेगा, बड़ा शहर जो है। ये देखिए यहाँ पे एक नीचे पूरा देखो, ये रोड यहाँ से कटते हुए यहाँ गई है, ये जलेबी रोड है, एकदम जलेबी रोड, इसको बोलते हैं जलेबी रोड। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से जलेबी रोड है पूरा। ये दूसरा पोर्शन आ गया, इधर इधर पड़ता है नैनीताल, यहाँ आगे ये हमारा नैनीताल एरिया आ गया पूरा इस साइड में, और ये पहाड़ी पे है नैनीताल। तो फाइनली हम पानी पहुँचने वाले, हाँ ये है नैनीताल। भीमताल से आगे आए तो यहाँ पर एक गाड़ी गिर गई है नीचे, ये देखिए यहाँ पर खाई में। यहाँ पर बाइक गिर गई थी, अब हम जा रहे हैं, अब सीधे मल्दानी पहुँचने वाले हैं। तो बाइक वाला गिर के बाल बाल बच गया हो, जान बची लाख हो भाई। कन्नू पहुँच गई अपनी नानी के घर में, चल दरवाजा खोल। ये नानी का घर पहुँच गई कन्नू, अंदर खोल, रुक जा। ये पहुँच गई नानी के घर में, नानी के घर में अभी नए रूम बने हैं, यहाँ ये बने हैं नए रूम, इसके नानी का घर है, ये काम चल रहा है यहाँ पे। ये है नानी का घर, चल नीचे चल। ये है नानी का घर, बड़ा घर बन गया है। चल वो दरवाजा खोल, खोलवा तो कट कट कर। खोल बाहर, कोई है नहीं, और खोल। ये पहुंच गई कन्नू नानी के घर में, नानी के घर में कोई है नहीं अभी फिलहाल। हम रखते हैं सामान अंदर, यहाँ पर कोई है नहीं। और तो यहाँ पर कोई है नहीं, अब मिलकर रश्मि भी पहुँच गया। तो कन्नू की नानी का नया घर बन गया, अभी ऊपर से और बना दिया इन्होंने ससुराल वालों ने मेरे, अभी नया बना दिया एकदम पूरा, ये 3 मंजिला कर दिया इसको। ये बन गया, यहाँ काम चल रहा है पूरा, ये काफी ऊपर उठा दिया इन्होंने घर, ये है यहाँ से बना दिया पूरा, अच्छा बन गया। ये है काठगोदाम का पुल, ये पूरा काठगोदाम है, रेलवे स्टेशन है इधर पूरा एकदम, रेलवे स्टेशन ये पर जस्ट बगल पे रेलवे स्टेशन है, ससुराल वालों ने बना दिया पूरा। चलो अभी इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करता हूँ भाई। सीधा खड़े होना, गिरेगी कहीं, गुड, यहाँ देख, यहाँ देख पन्नी, यहाँ देख, क्या कर दे।
चल आजा, चल घूम आगे को, चल आगे को, चल क्या दे दो मोबाइल।